भाई हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्शमलोस ऑफिशियल। सामने आपकी खड़ी है हीरो की एक्सट्रीम 160, जैसे आप देख पा रहे हैं, और ये स्टिल्ट ब्लैक कलर में है। तो भाई इस बाइक में कुछ चेंजेस की गई है, आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर भाई, क्या कुछ चेंजेस आपको मिलने वाली है 160 एक्सट्रीम में। तो भाई ये 160 वाली बाइक है और अभी हम आए हुए हैं भाई, देखिए ये हीरो मोटर कप राउरकेला में। और अगर आपको हीरो की कोई भी बाइक स्कूटर भी लेनी है तो आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं इससे एक्सट्रीम के बारे में। तो भाई स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से ही। देखिए इसका जो फ्रंट का जो लाइट का सेक्शन है ना भाई, ये काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे कट वगैरह आपको नज़र आने वाली। देखिए पूरी शार्प कट आपको यहाँ पे नज़र आएगी इसके हेलर के सेक्शन में। अगर इसको मैं एक बार ऑन करूँ तो देखिए ये रहा इसका डीएल के सेक्शन साइड में। और ओके, और ये आपको मिलती है एलईडी के साथ, यानी कि एलईडी की हेडलाइट आपको मिलेगी इस बाइक में। हीरो 3D का लोगो आपको यहाँ पर मिल जाता है एंड कार्बन ब्लैक फाइबर का यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो कि टेक्स्चर वगैरह आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये रही। और इंडिकेटर भी आपको मिलती है एलईडी में। रुकिए मैं इसको भी स्टार्ट कर दूं, तो ये रहा इसके एलईडी की इंडिकेटर्स। तो सब कुछ आपको मिलने वाली है एलईडी में, यानी कि हेडलाइट का सेक्शन एंड इसके इंडिकेटर्स सब कुछ आपको मिलता है एलईडी में। ठीक है, अभी करते इसको बंद। और जैसे कि एक नेकेड स्पोर्ट बाइक है और उसी हिसाब से इसको रखा गया है, यानी कि आपको पूरी मस्कुलरिटी आपको देखने को मिली इस बाइक में। यानी कि अगर इसके आप फ्रंट मडगर्ड को देखोगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी जगह में कट्स वगैरह, यहाँ पे देखिए कट्स वगैरह पूरी तरह से यहाँ पे कट्स वगैरह आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो पूरी तरह से मस्कुलर इसको रखा गया है इस बाइक को। अभी बात करते हैं इसके टायर की, वो रही ये भाई, आपको मिल जाता है अलॉय व्हील का, तो भाई मिलेगा सेक्शन जैसे देख पा रहे हैं। एंड टायर का जो साइज़ है वो है 100/80/17। जनरली जो है स्पोर्ट बाइक वगैरह में 17 इंच की टायर दी जा रही है अलॉय व्हील के साथ। एंड इस बाइक में आपको सिंगल चैनल एबीएस आपको मिलता है, पीछे भी डिस्क मिलेगी, आगे आपको डिस्क मिलेगी, रिफ्लेक्टर यहाँ पे हो गया। और इसके जो टायर के बॉर्डर में आपको यहाँ पे स्टिकरिंग वगैरह आपको यहाँ पे दी जा रही है रेड कलर में, जो कि बाइक को एक काफ़ी अच्छा लुक देती है। अगर आप साइड से देखोगे ना, रुकिए मैं आपको साइड से दिखा दूँ, तो ये रहा भाई एक्सट्रीम स्टिल्ट ब्लैक का साइड प्रोफाइल। यानी कि यहाँ पर आपको ग्लॉसी यूज किया गया है एंड मैट कलर का भी यूज़ किया गया है। अगर इसके टैंक के ऊपर देखोगे तो भाई ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये जो पार्ट है ये मिलता है ग्लॉसी ब्लैक कलर में। एंड यहाँ पे जो ये जो पार्ट है ना, थोड़ी सी एक्सटेंशन यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो कि आपको मिलती है मैट ब्लैक में। देन हल्का फुल्का यहाँ पे ग्राफिक्स का यूज भी किया गया है इसके ऊपर। एंड यहाँ पे देखेंगे भाई हीरो का एक लोगो स्टिकरिंग भी दी जा रही है। एंड यहाँ पे देखेंगे एक्सट्रीम मिलेगा आपको 3D लोगो के साथ, स्टिल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूँ कि स्टिल्ट ब्लैक में तो ऐसे ही आपको मिलने वाला है, यहाँ पर रेड मिल रहा है। लेकिन अगर आप अभी एक्सट्रीम 160 की कोई भी कलर की बाइक लेते हो तो उसमें आपको 3D वाली लोगो यहाँ पे मिलने वाली है। पहले मिलता था स्टिकरिंग में, लेकिन अभी आपको मिलेगी 3D लोगो के साथ। ये एक चेंज आपको देखने को मिलेगी न्यू एक्सट्रीम 160 में। ओके, बाकी प्रोग्राम्ड FI का यहाँ पे स्टिकरिंग जैसे देख पा रहे हैं, ये बाइक आपको किक के साथ आपको मिलेगी। सेल्फ का ऑप्शन भी आपको मिलने वाला है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊँगा। और यहाँ पे एक 3D लोगो हीरो का रेड कलर में, जैसे कि देख पा रहे हैं काफ़ी मस्त लगती है देखने में। और ये रहा इसका कैटालिटिक कन्वर्टर, जैसे कि BS6 के नॉर्म के हिसाब से कैटालिटिक कन्वर्टर आपको मिलने ही वाला है बाइकों में। ओके, और ये रहा इसका एग्जॉस्ट का पार्ट, यानी कि ये ब्लैक मिलेगी। और इसका जो मफलर का जो पार्ट है ये आपको मिलते हैं ब्लैक कलर में, लेकिन ये हल्की थोड़ी सी ग्रेश टाइप की आपको दिख रही होगी। ओके, तो ये रहा इसका एग्जॉस्ट का पार्ट एंड ये रहा इसका पिलन फुटरेस्ट अलूमिनियम में। और भाई ये रहा इसका रियर टेल लाइट हीरो, यानी कि H शेप में आपको थोड़ी सी यहाँ पे दिख रहा होगा, छोटा सा H LED की टेल लाइट यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि सिग्नेचर साइन है। इसको भी एक बार ऑन करके आपको दिखा दूँ, तो भाई आप लोग देख ले इसका LED की टेल लाइट और इंडिकेटर भी आपको मिलती है LED में। और यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाती है साड़ी गार्ड, जैसे देख पा रहे यहाँ पे पिलन फुटरेस्ट रेड फुटरेस्ट वगैरह आपको मिल जाती है। और 160R का यहाँ पे स्टिकरिंग इसके रियर काउल में दी जा रही है। भाई और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगी अभी से वो है ये वाली, यानी कि आपको अभी स्प्लिटेड ग्रैबरेल आपको यहाँ पे दी जा रही है, जो कि पहले नहीं आ रही थी, लेकिन अभी आपको 160 यानी कि एक्स्ट्रीम 160R में ये चीज़ आपको मिलने वाली है, इसका ग्रैबरेल का सेक्शन। ओके, अभी बात करें इसका टैंक की, भाई ये रहा इसका मस्कुलर टैंक।
और टैंक एक्सटेंशन जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके साइड में जैसे देख पा रहे हैं ये रहा इसका एक्सटेंशन का पार्ट एंड ये रहा इसका फ्यूल टैंक का जो पूरा प्रोफाइल। कर्व्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एंड एक्सट्रीम 160R करके यहाँ पे एक स्टिकरिंग मिल जाता है इसके टैंक के ऊपर। ओके, और अभी बात करते हैं इसके क्लस्टर की, तो पहले इसका की दिखा दूँ। तो भाई ये रहा इसका की, हीरो लोगो के साथ आपको मिलेगी इसका की। और इसको अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये रहा इसका क्लस्टर का एरिया, फुल्ली डिजिटल में आपको मिलने वाली है इसका क्लस्टर। सब कुछ आपको मिलता है फुल्ली डिजिटल में, यानी कि स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, टाइम, ट्रिप ए ट्रिप बी, टैकोमीटर वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाली है डिजिटली। ओके, और यहाँ पे आपको मोड का एक बटन एंड सेटिंग का एक बटन आपको यहाँ पे दी जा रही है। और एक USB का पोर्ट आपको इसके नीचे आपको मिल जाता है, वो रही ये। अरे भाई कहाँ गया, देखिए ये वाली, ये है इसका USB का पोर्ट जिससे आप अपना मोबाइल को चार्ज में लगा सकते हैं। और हैंडल देखेंगे तो आपको थोड़ी सी वाइड मिलेगी जिससे आपको एक अच्छा पोस्चर मिलेगी जब आप गाड़ी को चलाओगे, जैसे कि देख पा रहे हैं। एंड इसका जो लाइट का स्विच आपको दिखा दूँ, हैजार्ड का स्विच आपको यहाँ पे दी जा रही है, हाई बीम लो बीम हो गया, यहाँ पे पास लाइट का स्विच एंड ये रहा इसका इंडिकेटर हॉर्न। यहाँ पे देखेंगे आपको मिलता है इंजन कील स्विच विथ सेल्फ का ऑप्शन, मतलब यहाँ पे एक ही स्विच में आपको सब कुछ दे दिया गया है। अभी सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट का साउंड। तो भाई आपको कैसा लगा इसका एग्जॉस्ट का साउंड मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये रहा इसका इंजन का सेक्शन, और भाई सिंगल सिलेंडर आपको यहाँ पे एयर कूल्ड इंजन मिलने वाले जो कि पावर निकालती है 15.2 PS की एंड 14 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है। माइलेज की अगर मैं बात करूँ भाई 160 की बाइक है तो 50 तक जो है आपको आराम से माइलेज दे देगी। मैं प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, अगर आप देखो कि कंपनी क्लेम तो भाई कंपनी बताती है 55 या फिर 60 बताएगी, लेकिन आप 50 मान के चलो, ठीक है ना। अभी मैं आपको देखा उसका रियर टायर, भाई ये इसका रियर टायर का सेक्शन, और जो टायर का जो साइज है थोड़ी सी आपको वाइड मिलेगी 130, 70 एंड 17 की आपको यहाँ पे टायर मिलने वाली है इसका रियर टायर का सेक्शन एंड ये इसका रियर डिस्क। और भाई मोनोशॉक के सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिल जाता है इस बाइक में, देख सकते हैं यहाँ पे। सीट में भी कुछ चेंजेस की गई है, यहाँ पे आपको सिंगल सीट आपको ऑफर करती है बाइक, और सीट हाइट जो है वो है 790 mm का। तो दोस्तों हो चुकी हैं सारी बातें इस बाइक के बारे में, तो होप सो आपको पता चल गया होगा कि मैं आपको न्यू एक्सट्रीम 160R में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेगी। एंड अभी बात करने से प्राइसिंग की, तो भाई इसका जो एक्सरूम प्राइस है वो है 1.24 lakh की जो एक्सरूम प्राइस है, और इसका जो ऑनरोड जो प्राइस है राउरकेला में वो है 1.47 lakh की। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो इस बेहतरीन मस्कुलर 160R के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।